हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है। टेक आउट योर मैथ्स बुक। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मैथ्स की पिछली वीडियो में देखा कि मैंने रिवीजन एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दी है, मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 12। यूनिट 2, क्या नाम है यूनिट 2 का? नंबर्स ग्रेटर देन 100। हम बात करेंगे आज 100 से बड़े नंबर्स की, ठीक है? क्या टॉपिक है? नंबर्स 100, 1 टू 999। हम 100 से 99 नंबर तक की बात करेंगे। तो ये देखिए, आपको ये कुछ लाइंस दे रखी हैं। कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइंस है और इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है हर लाइन को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ब्लॉक्स में हर एक लाइन को डिवाइड किया गया है। तो 10 के इनको सबको प्लस कर लेते हैं। 10 plus 10 20 20 plus 10 30 30 plus 10 40 40 plus 10 50 50 plus 10 60 60 plus 10 70 70 plus 10 80 80 plus 10 90 90 plus 10 100। ठीक है, तो 100 का आप के सामने ये एक बॉक्स बनके तैयार हो गया है। ठीक है, तो देखिए, आपको ये एक बॉक्स दे रखा है 100 ब्लॉक्स का, और इसके अलावा आपको एक ब्लॉक और दे रखा है ज्यादा। हेयर इज ए ग्रुप ऑफ 100 ब्लॉक्स एंड 1 ब्लॉक मोर। एक आपको ब्लॉक 100 का दे तो रखा है बॉक्स, और एक आपको अलग से भी एक ज्यादा ब्लॉक दे रखा है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 101। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे आप इसको, 101। तो इसी तरह आप ये देखिए, सेकंड में आपको कैसे दे रखा है? एक ब्लॉक दे रखा है आपको, एक बॉक्स दे रखा है 100 ब्लॉक्स का, और इसके अलावा आपको और कितने दे रखे हैं? 1 2। पहले आपको कितने दे रखा था? 1। अब आपको 2 ज्यादा दे रखे हैं, 2 ज्यादा दे रखे हैं। तो अब आप किस तरीके से लिखेंगे? 102। द नंबर नेक्स्ट टू 101 इज 102। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरह आपको थर्ड करना है। ये 100 ब्लॉक्स का आपको एक बॉक्स दे रखा है, इसके इससे ज्यादा आपको कितने दे रखे हैं? 1 2 3, 3 और दे रखे हैं। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 103। द नंबर नेक्स्ट टू 102 इज 103। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे आप इसको। रीड एज 103 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस तरह द नंबर नेक्स्ट टू 109 इज 110। अब ये देखिए, आपको ये 100 ब्लॉक्स का एक और बॉक्स दे रखा है। अब इसके साथ आपको एक लाइन दे रखी है 10 ब्लॉक्स की। ठीक है, 10 ब्लॉक्स की आपको एक लाइन दे रखी है। तो ये कितने हैं? 10 है। तो इस तरीके से 110 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको? 110। ठीक है, जो कि 109 के बाद आता है 110। अब इसी तरीके से 110 के बाद वाले नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर्स आर 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। तो इस तरह आप इनको पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए क्या 101 से लेके 999 तक। आप अब सीखेंगे लिखना, क्या हम किस तरीके से लिखते हैं और उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसी तरीके से आप 200 से 999 तक हम काउंटिंग मतलब लिख सकते हैं। वी ऑब्जर्व दीज आर 3-digit नंबर्स शोइंग 100s, 10s and 1s। ये सारे नंबर जो हैं 3-digit नंबर हैं, जो 100, 10s और 1s की डिजिट को बताते हैं। ठीक है, जैसे ये अब हम इसको एक्सरसाइज की मदद से हम इसको और अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? काउंट एंड राइट, गिनना है और लिखना है। ड्रो बीट्स ऑन द एबेकस, आपको एबेकस के अंदर बीट्स को ड्रो करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप इसको, आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दिखा रखा है, इसकी मदद से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये देखिए, आपको ये 100 ब्लॉक्स का एक बॉक्स दे रखा है, और 10 ब्लॉक का आपको एक लाइन दे रखी है, और आपको वंस में देखिए कितने दे रखे हैं, 1 2 1 2 3।
ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, 100 ब्लॉक का तो एक बॉक्स दे रखा है आपको, तो इसलिए 100 में 1, और टेंस में आपको कितना दे रखी है, एक दे रखा है, 10 ब्लॉक्स का आपको कितना, कितनी लाइंस दे रखी है, 1, तो इसलिए 10 में 1, और 1 में 1, 2, 3, एक एक करके कितने ब्लॉक्स है, 1, 2, 3, 3, तो इस तरीके से क्या कैसे लिखेंगे, 113, ठीक है। और आपको किस तरह, वंस में वंस का है तो 1, 2, 3, 3 लिख दिया आपने, टेंस की लाइंस थी कितनी थी 1, 100 का कितना ब्लॉक्स थे 1, तो इसलिए आप यहाँ पे 1 था, तो इसको हम पूरे को एक बना के लिखेंगे एक बॉक्स में 113। और आप इसमें ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, वंस टेंस 100, आपको ये समझा रखा है, इसमें दिखा रखा है, आपको इस तरीके से ही करना है। वंस में कितने हैं, 3 दे रखे हैं, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे सर्कल्स बना के आप इसको बता देंगे। अगर कितने हैं, कितने थे 3, तो 1, 2, 3। अब इसी तरह 10 में देखिए 1, तो 1 बनेगा। इसी तरीके से 100 में कितने हैं 1, तो 1 बना दिया आपने। अब सेकंड देखिए, 100 ब्लॉक का आपको एक बॉक्स दे रखा है, 10 ब्लॉक्स के आपको कितनी लाइंस दे रखी है, 1, 2, 3, 3 दे रखी है, तो इस तरीके से ये देखिए 3 यहाँ पे है, और 1 ब्लॉक अलग अलग कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, तो इस तरीके से आप 137 तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो इस तरह हमें लिखना है इस बॉक्स में, इसको पूरे को एक जगह एक बॉक्स में लिख लेंगे 137। तो इसी तरह आप इसको भरेंगे, वंस में कितने कितने डिजिट है, 7, एक है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है। टेंस में कितने हैं, 3, 1, 2, 3, 100 में 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें फिल कर लेंगे। अब इसी तरह सेकंड देखिए, थर्ड देखेंगे, 100 के आपको कितने ब्लॉक्स दे रखे हैं, कितने बॉक्स दे रखे हैं आपको 100 ब्लॉक्स के, 2, 2 दे रखे हैं, तो 100 में 2 लिख देंगे। टेंस में 10 ब्लॉक्स की आपको कितनी लाइन दे रखी है, 1, तो आप 1 लिख देंगे। और वंस में 1 ब्लॉक्स आपको कितने दे रखे हैं, 1 करके, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा 215। अब आप वंस में देखिए कितने हैं, कितने कितना नंबर लिखा है, 5, तो 5 आप इसमें सर्कल बना देंगे, बीड्स ड्रॉ कर देंगे, कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 वंस में। टेंस में 1, 100 में 1, 2, तो इस तरीके से आपको ये बाकी के आप ये खुद करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे 1, 2, 3 तीन बॉक्स देख रहे हैं आप इस 100 ब्लॉक्स के, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लिख देंगे, 1 10 का है, 10 ब्लॉक्स का 1 है, तो आप 1 लिख देंगे, और वंस में आपको एक ही दे रखा है तो एक लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 300 कितना हो जाएगा, 311, ठीक है। इस तरीके से आप फिर इसमें बॉक्स में इनमें फिल कर देंगे इसके अंदर ड्रॉ करके बीड्स को, तो इस तरीके से आप ये बाकी के भी अच्छे से कर लेंगे। इसको आपको बुक में ही करना है ये काम, तो उम्मीद है आप सब इसको अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 14 पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नंबर्स फ्रॉम 101 to 200। आपको इसमें नंबर लिखने हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, 101 to 200 तक आपको नंबर से नंबर लिखने हैं। इनको इन बॉक्सेस को आपको इनमें कंप्लीट करना है, इसमें लिखना है। जैसे आपको 101 के बाद 102 है, 102 के बाद 103 आएगा, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ये सब मैंने आपको इसमें कंप्लीट करके दिखा रखा है। अब इसी तरह देखिए, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, इसी तरह फिर देखिए 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। तो मैंने आपको 130 तक कंप्लीट करके दिखाई है, आपको इसके आगे की खुद करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, 131 लिख देंगे, फिर 132, 133, 134, 135, 136, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे। कहाँ तक कंप्लीट करेंगे, 200 तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से सारे समझ में आ गया होगा, और आप इसको कंप्लीट भी आसानी से कर लेंगे। आपको ये सारा काम बुक में ही करना है, जो मैंने आपको बताया है, और होमवर्क जो दिया है वो सारा आपको बुक में ही करना है, कॉपी में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।
फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।